Now we are discussing the advantages and disadvantages of the waterfall model. ठीक है, अब waterfall model के advantages और disadvantages क्या हैं? Advantages के ये बहुत ज़्यादा simple है, इसको easily हम understand कर सकते हैं. Is a formalized approach to the software development. The waterfall model is simple and easy to use. This model can be easy to implement and manage because each phase has a specific purpose and development course in only one phase at a time. हर एक phase को हम at a time singly हम perform करेंगे, multiple phases को हम at a time perform नहीं कर सकते. जिस तरह मैंने ऊपर discuss किया है कि जिस तरह waterfall नाम से जाहिर है ना, तो एक जब एक पानी ऊपर से गिर रहा होता है ना, तो उसको दोबारा हम प्रीवियस वापस स्टेज पे नहीं लेके जा सकते, ख़ुद से नहीं ले जा सकते अगर कोई और तरीका ना हो. ठीक है, मतलब ख़ुद से, जिस तरह ख़ुद से ऊपर से गिर जाता है तो उस तरह ये ख़ुद से ऊपर नहीं जा सकता. तो इसमें एक स्टेज अगले में जब जाएगा तो ये दुआ उसका रिवर्स नहीं हो सकता. द वाटरफॉल मॉडल इज़ अप्रिशिएट फॉर स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच द रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड. जब रिक्वायरमेंट अच्छे से हमें पता होगी तो हम इसको बना सकते. जब रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड नहीं है, बार बार रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रही है टाइम बाय टाइम, उसमें हमने नए नए वर्जन्स लाने हैं, नई नई इन्हेंसमेंट करनी है, तो उस केस में हमने ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करना. स्टूडेंट्स, आप इस मॉडल्स को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि जब आप फाइनल प्रोजेक्ट करती हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा मॉडल प्रिपेयर किया है, कौन सा मॉडल फॉलो करके हमने प्रोजेक्ट बनाया है. हालांकि जो है उस तरह पढ़ाया जाता है, मगर आप जो प्रोजेक्ट करती हैं तो आप उस तरह जो है उस स्टेज पे आप प्रॉपरली उस चीज़ को जज नहीं करती. हालांकि आपका यह जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, जो हम मैं पढ़ा रही हूँ डिफरेंट मॉडल्स में, ठीक है, ये जो डिफरेंट मॉडल्स पढ़ा रही हूँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया है. डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? ऑल्दो द वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड्स अ गुड इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इट्स यूजफुलनेस इज़ द लिमिटेड. इसकी यूजफुलनेस इसलिए लिमिटेड है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं हो सकता. उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके लेटेस्ट वर्जन्स हमने टाइम बाय टाइम लेटेस्ट वर्जन्स हमने इसके लाने होते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट टाइम के साथ बढ़ रही होती है. ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द मॉडल, रिजिड होता है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं आ रहा. रिक्वायरमेंट उसमें स्टेटेड एक्सप्लिसिटली बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस. इफ रिक्वायरमेंट चेंज आर एडेड, द प्रोजेक्ट मस्ट स्टार्ट ओवर फ्रॉम दिस बिगिनिंग. आप अगर दोबारा इसमें चेंजेस करेंगी तो आप एक प्रोजेक्ट को फिर नए सिरे से बनाएंगी, जो कि हमारे लिए ईजी नहीं होगा. नो वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलप अंटिल वेरी लेट इन द प्रोसेस, एंड दिस डिले क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. इफ एरर्स आर मेड इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग आर डिज़ाइन, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेज पे और डिज़ाइन फेज पे हमारे पास एरर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे वाले मॉडल्स में जो है आपको, आगे वाले स्टेजेस में आपको प्रॉब्लम होगा और वो प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा. द वाटरफॉल मॉडल इज़ एन अप्रोप्रिएट फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इट शुड नॉट यूज़ फॉर डेवलपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म आर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो काफ़ी, मतलब जो है, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब फॉर 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक यूज़ हों, या मतलब कॉन्टीन्यूसली हम उसको यूज़ कर सकें. जिस तरह विंडोज़ है तो विंडोज़ के नए नए लेटेस्ट वर्जन आते हैं, ऑफिस से ये मल्टीपल जम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसके नए नए वर्जन आते हैं, तो ये इसके लिए इस तरह का मॉडल सूटेबल नहीं है. ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग, जो उसमें टाइम बाय टाइम काम हो रहा होता है, आर द फॉर प्रोजेक्ट इन विच द रिक्वायरमेंट आर अननोन आर सब्जेक्ट्स टू चेंज, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट अननोन हो तो फिर हम उसको उस तरीके से वो नहीं कर सकते. तो आपने ये मॉडल्स अच्छे तरीके से समझ लेना है, जो जो प्रॉब्लम्स है आपने मुझसे डिस्कस करने हैं. मगर आपको जब इस मॉडल्स की समझ, जैसे वाटरफॉल मॉडल है तो ये कब किस केस में किस प्रोजेक्ट में है यूज़ हो सकता है, तो ये आपको प्रोजेक्ट से पता होगा कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है, ठीक है, तो आपको आपका मॉडल उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा. सही है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट ख़ुद बनाती हैं तो फिर आपको मॉडल्स का पता होता है.
ठीक है, तो आपने इस मॉडल्स के लिहाज से फिर जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगी तो इसी मॉडल्स को में से कोई एक सेलेक्ट करेंगी, और ये सिलेक्शन आपके बेस पे हैं कि आपने कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है।